खबरों में आगे रुख करते हुए आपको बताया जाए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर पलटवार किया है, जहां पर मंडी में दरअसल जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगना रनौत को बाहरी प्रत्याशी बताने वाले पहले जरा ये बताएं कि वे राज्यसभा का प्रत्याशी कहां से लेकर आए थे। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश और मंडी की बेटी है। मंडी जिला के भांबला में कंगना रनौत का घर है और मनाली में भी कंगना ने अपना घर बनाकर रखा हुआ है। अब ऐसे बयान देने से पहले मुकेश अग्निहोत्री को समझना चाहिए और सोच विचार कर ही बयान देने चाहिए। जयराम ठाकुर ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भी सोच समझकर बयान देने की नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने माया नगरी में जो नाम कमाया है और जो बुलंदियों पर वो पहुंची हैं, वो कोई आसान काम नहीं है। विक्रमादित्य सिंह को सोच समझकर बोलने की जरूरत है। देखिए, हमें ऑपरेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको सत्ता मिली है, आप संभालिए, उसको चलाइए। नलायकी किसकी है? इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा में 1.5 साल से पहले, यानी कि 1 साल के अंतराल में ही आपके 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, हालात ऐसे हो जाते हैं। क्या उनको इस बात को समझाना पड़ेगा? हमें, आप अपने घर संभालिए, सत्ता आपको मिली है, आप संभालिए, चलाइए। लेकिन हालात ऐसे बन रही है कि उनकी जो परिस्थिति जो बनी हुई है उसमें जगहंसाई हो रही है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि यहाँ कोई ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन कांग्रेस के ही लोग अपने आप करने के लिए विवश हो रहे हैं, बाध्य हो रहे हैं। आपकी ही कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा कहती है कि हालात ही नहीं रहे चुनाव लड़ने के लिए। ना लोगों के काम हुए, ना कार्यकर्ताओं के काम हुए, ना विधायकों के काम हो रहे हैं। मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे करके बैठे हुए हैं, मंत्रिमंडल से रोते रोते बाहर निकल रहे हैं। तो इन सारी चीजों के लिए हम जिम्मेवार हैं क्या? इसलिए उनको सोच समझ करके ही बात करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मैं समझता हूँ कि एक वो जिम्मेवार नेता है, उनको ऐसी टिप्पणी से परहेज करना चाहिए। उनको ये जानकारी नहीं है कि कंगना मंडी की बेटी है, हिमाचल की रहने वाली है। मंडी में सरका घाट में भांबला में उनका घर है, पुश्तैनी घर है। मनाली में उनका घर है। और उसके बाद इस बात का अगर वो जिक्र कर रही हैं कि मुंबई से लाई है, तो मैं समझता हूँ बहुत ही छोटी सोच है और दुर्भाग्यपूर्ण है एक ऐसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के इस प्रकार की बात को कहते हैं। और दूसरी बात मैं उनसे ही पूछता हूँ कि राज्यसभा के लिए कहाँ से लाए थे ये, किस कैंडिडेट को लाए थे? पहले अपना तो देख लीजिए।